हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपके लिए एक सीरीज बना रहा हूं दोस्तों, जहां पे जितने भी लोग फ्रेशर्स लोग हैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिकेटर्स पे डिपेंड रहते हैं। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका सही इस्तेमाल क्या हो सकता है। तो कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि सभी नोटिफिकेशन जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले और आपके हाथ से मिस ना हो। दोस्तों, हो सकता है आपने इन इंडिकेटर्स के ऊपर भी वीडियोज पहले भी देखी हों। हो सकता है सबका नजरिया अलग होता है, सबका समझाने का तरीका अलग होता है, सबका उस मार्केट को देखने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए एक ग्लास आधा भरा है, तो किसी को खाली दिखाई देता है, किसी को भरा दिखाई देता है। तो हर इंसान, हर ट्रेडर, हर प्रोफेशनल ट्रेडर का सेटअप अपना होता है, उसको देखने का नजरिया अपना होता है, उसका यूज करने का तरीका अपना होता है। तो जो मेरा तरीका है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और आज एक ऐसे इंडिकेटर की चर्चा की शुरुआत में इस सीरीज की कर रहा हूँ जो इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड का पता होना इंपॉर्टेंट है या किसी इंडिकेटर का पता होना। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं या आप किसी इंडिकेटर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि उनके लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, पर ट्रेंड को समझना इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेंड नहीं पकड़ पाते कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जनरली कितने तरह के ट्रेंड होंगे, या तो अप ट्रेंड होगा, मार्केट साइडवेज होगी, या फिर डाउन ट्रेंड में होगी। पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वो सॉलिड तरीके से अप ट्रेंड चालू होने वाला है, दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी हेल्प कर दे कि ये ट्रेंड कितना स्ट्रांग होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप अपने जितने भी ट्रेड्स हैं जिनमें आपको पैसा आ रहा होता है, जहां डर के निकल जाते हैं, छोटा सा ट्रेड लेके छोटा सा पैसा बना के, वहां आप अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड की स्ट्रेंथ की। अगर आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता लग जाए तो कमाल हो जाएगा। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं मैं किसी इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इंडिकेटर का नाम सुन के वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको यह समझ में नहीं आएगा कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और एंड में एक बोनस टिप देने वाला हूं आपको, जिससे आपको यह समझ में आए तक कि आपकी विनिंग ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी और अच्छे से कैसे बढ़ सकती है। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जिन लोगों को मालूम है थैंक यू सो मच, जिनको नहीं मालूम है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे फ्रेशर्स भी देख रहे होंगे, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस बनाने वाला हूं कि कौन सा इंडिकेटर कहां से उठाना है। पहले मेरा जो स्क्रीन पे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ज़ीरोधा का है। ज़ीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट खोल लीजिए, आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। नहीं तो आप tradingview.com पे फ्री में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू, जिस भी कंपनी में अकाउंट खोलना चाहें खोल सकते हैं। सबके पास ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है, पर आपके पास एक ट्रेडिंग चार्टिंग का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, जो आज की डेट में फ्री मिल जाता है किसी भी ब्रोकिंग हाउस के पास में। अब यहां पे स्टडीज में जाके सबसे पहले आपको लगाना है एडीएक्स। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की। आप ये वो इंडिकेटर है जो आपको जो डायरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ बताता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। पहले भी एडीएक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो प्लीज इस वीडियो को फ्रेश देखिएगा, पूरा देखिएगा। एडीएक्स कैसे दिखता है दोस्तों, देखिए जैसे हमने एडीएक्स को प्लॉट किया, नीचे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नीचे में आपको तीन तरह की लाइन दिखाई दे रही है। एक ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, एक ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है, और एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। जब आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज पॉजिटिव डीआई, पॉजिटिव डायरेक्शन इंडेक्स, माइनस डीआई इज रेड कलर। उसको आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं, आप क्लिक करके अपनी मनपसंद कलर इसमें लगा सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड एडीएक्स ये मेन है, एडीएक्स ब्लैक कलर का। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ एडीएक्स की लाइन को ही देखना प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज उनको पसंद नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास जब आप इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि सभी इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, कोई भी लीडिंग इंडिकेटर नहीं होता है, बट फिर भी आप किसी न किसी का सपोर्ट ले लें तो बुराई नहीं है। जब तक आप बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो जाते, आपका डिसिप्लिन बन नहीं आता, कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो किसी इंडिकेटर पर डिपेंड होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये सिर्फ ब्लैक लाइन, जिसको हम एडीएक्स लाइन बोलते हैं, अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं। और साथ में हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि जो ग्रीन लाइन और ब्लू रेड लाइन को हमने हटाया है, अगर हम उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें वो कैसे होगा। और एंड में, वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी सेटिंग देने वाला हूं जो आपके एडीएक्स से परफेक्ट मैच करेगी, जहां आपके ट्रेड्स की विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत हाई हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले एडीएक्स की बात करेंगे और एंड में एक ऐसी सेटिंग जो आपके इस ट्रेड के सोने पे सुहागा लगा देगी, दैट विल आई मीन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग। तो चलिए देखते हैं एडीएक्स जनरली क्या देखा जाता है, कि या तो फॉलिंग एडीएक्स होगा या फिर राइजिंग एडीएक्स। जब भी आपको ट्रेड लेना हो, नंबर वन रूल रहेगा कि आप हमेशा राइजिंग एडीएक्स में ही ट्रेड लेंगे, आपका फॉलिंग एडीएक्स में ट्रेड नहीं लेंगे। राइजिंग और फॉलिंग एडीएक्स का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो समझ लेते हैं। जो भी ट्रेंड चल रहा है, अगर आपका ट्रेंड बाय का ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में अगर एडीएक्स राइजिंग है, समझिएगा मैं एडीएक्स के राइज करने पे ट्रेड नहीं लेना है। मैं ब्लाइंडली नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि सपोज कीजिए आपने बाय का ट्रेड डाला है, आपने पूरा एनालिसिस कर लिया कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, वहां पे अगर एडीएक्स भी राइज होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। जी हाँ, बहुत हाई हो जाएगी। वैसे ही सपोज कीजिए ट्रेंड तो ऊपर जा रहा है, पर एडीएक्स
एडीएक्स ने गिरना शुरू कर दिया है, तो जब एडीएक्स गिर रहा है तो आप फ्रेश एंट्री ना करें, बजाय कि इसके कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की संभावनाओं को तलाशें और वहां पे प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर आ जाना समझदारी होती है, क्योंकि एडीएक्स इज टेलिंग यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. रिपीट, एडीएक्स विल नेवर गिव यू द ट्रेंड, इट विल ओनली गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. आपका ट्रेंड जो भी है, फॉलिंग ट्रेंड है या राइजिंग ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में है, एडीएक्स बढ़ रहा है तो अप ट्रेंड और सॉलिड है और तेजी से आप तेजी कर सकते हैं. अगर मार्केट गिरने लग रही है और एडीएक्स बढ़ रहा है तो वहां पे भी मतलब फॉलिंग बहुत तेजी से होगी, मार्केट में फॉल बड़ा आने वाला है या फॉल की जो संभावना है, जो स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी. ऐसे ही अगर मान लीजिए एडीएक्स गिरने लग रहा है और मार्केट बढ़ रही है तो मतलब ये कि मार्केट कहीं रेंज बाउंड में जाने वाली है, मार्केट कहीं कंसोलिडेट करने वाली है. चलिए इसको चार्ट पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा. जनरली एडीएक्स की जो वैल्यूज हम देखते हैं वो 20-40 की एक रेंज मानी जाती है. अगर 20-40 की तरफ जा रहा है एडीएक्स और 40 को क्रॉस कर जाए तो ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. वैसे ही अगर ट्रेंड गिर रहा है एडीएक्स गिर रहा है, 40 से गिर रहा है, 20 से नीचे चला जाता है, तो जो भी पर्टिकुलर ट्रेंड है आपके स्टॉक का, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, वो वीक होगा. ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए तो आपका एडीएक्स राइजिंग ही होना चाहिए. तो पहला डिसिप्लिन ये रहेगा कि आप राइजिंग एडीएक्स पे ही ट्रेड लेंगे, उसके अलावा ट्रेड नहीं लेंगे. चलिए इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल के लिए मैंने रिलायंस लगाया, रैंडम स्टॉक चूज किया है, जो आप देखना चाहे देख सकते हैं. यहाँ पे अगर देखें फॉर एग्जांपल इस बॉटम की हम बात करें तो 13 के आसपास एडीएक्स है. यहाँ पे मार्केट को देखिए, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, पर जब मार्केट जाके 20 से ऊपर क्रॉस करने लगता है, देखिए यहाँ पे ये राइजिंग एडीएक्स है, 12 से बढ़ते हुए 15, 16, 20, 22, 25, तो यहाँ से थोड़ी देर के बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई. एग्जैक्ट ट्रेड कैसे लेना, वो सेटअप क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ. पहले आप एडीएक्स को समझ लीजिए प्लीज. जहां भी देखने की कोशिश की, देखिए यहां पे एडीएक्स क्या है, एडीएक्स फॉलिंग एडीएक्स है, 20-22 की रेंज में चल रहा है और यहां पे मार्केट एक रेंज में है. देखिए दिस इज द रेंज, जो लोग रेंज समझते हैं, रेंज मतलब यहां मोटा मोटा देखने की कोशिश कीजिए 1996 और 1953, मतलब मोटा मोटा 10-12 रुपए की रेंज में रिलायंस ट्रेड कर रहा था यहां पे. और जब उसको एक रेंज ब्रेकआउट मिला एडीएक्स की तरफ से तो मार्केट ने भी ट्रेंड किया. आप कभी भी रैंडम जाके देखने की कोशिश कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, देखिए मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ से एडीएक्स ने राइज करना शुरू किया तो मार्केट ने अच्छा खासा एक फॉल दिया. उसके बाद जब एडीएक्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, मार्केट चढ़ना शुरू कर देती है, तो मतलब एडीएक्स जब 20-14 देखिए कितना वैल्यू थी, 12, 14, 16, 20, 328 और यहाँ से 35 तक चला गया, तो मतलब 35 एडीएक्स रहा तो मार्केट पूरे हाई पे थी. तो यहाँ पे इसको देखिए, ये यहाँ पे अब एडीएक्स गिर रहा है, ठीक है, मार्केट पहले गिर रही थी, मार्केट का जो रिलायंस का ट्रेंड था वो फॉलिंग ट्रेंड था, फॉलिंग ट्रेंड में एडीएक्स ने गिरना स्टार्ट किया अपना पीक लगाने के बाद. पीक क्या लगाया, 66 का, मतलब 50-60 तक एडीएक्स चला जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता, वो एक्सट्रीम होती है, उसे जाने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मार्केट कैन सरप्राइज यू एनी टाइम, बट दीज आर दी जनरल ऑब्जर्वेशंस की इसके ऊपर नहीं जाता है, अमूमन देखा जाता है, एवरेज उसके ऊपर नहीं जाता. तो यहाँ पे जब एडीएक्स इज फॉलोइंग तो रिलायंस एक रेंज में आ गया. देखिए रेंज दोबारा से 1920 रुपये से लेकर 1910-12 रुपये, 10 रुपये की रेंज में रिलायंस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया. दोस्तों आप लोगों के सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेज ऐसी रेंज में ही हिट होते हैं, जब आप किसी को नहीं पकड़ पाते कि मार्केट साइडवेज है कि नहीं है. तो एक्चुअली एडीएक्स आपको साइडवेज मार्केट को पहचानने बहुत अच्छे से मदद करता है. आप इसको ब्रेकआउट इंडिकेटर भी कह सकते हैं कि जब ADX राइज करना स्टार्ट करे और मार्केट भी राइज करना स्टार्ट करे तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. जो लोग लंबे प्रॉफिट की तलाश में बैठे होते हैं, रुपए चवन्ने जिनको नहीं चाहिए होता है, जो अच्छे खासे स्विंग ट्रेडिंग देखना चाह रहे होते हैं, वो प्लीज ADX के बिना काम ना करें, बिकॉज ADX विल टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट विल नेवर टेल यू द ट्रेंड, इट विल टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, माय डियर फ्रेंड, राइट. एंड मार्केट में जो ट्रेंड इज द ओनली फ्रेंड, आपको मालूम ही है, ठीक है, जिसके ऊपर एक ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर भी है मेरा, ठीक है, विच इज अ टूल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री में देता हूँ और आउटसाइड जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए पेड है, वो अगर आप देखना चाहते हो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उसके जो चार्जेस वगैरह हैं. यहाँ मैं कैलकुलेटर का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट नाउ लेट अस सी कि जो ग्रीन लाइन और रेड लाइन थी, जो प्लस डी आई और माइनस डी आई थी, उसको हम कैसे देख सकते हैं. चलिए वापस सेटिंग में जाते हैं, जो हमने इसको वाइट किया था, इसको वापस से प्लस को हम ग्रीन डोनेट कर लेते हैं. चलिए वापस ग्रीन कलर लगा लिया हमने और जो माइनस डी आई थी उसको हमने रेड कलर से डोनेट कर लिया. चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई के बीच में क्रॉसओवर होता है तो बाजार का एक ट्रेंड दिखाई देता है. जब इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वार चल रहा होता है, आपस में लिपटी हुई होती है, इनके बीच में कुछ गैप कम होता है तो बाजार एक साइडवेज होता है. देखिए जब एडीएक्स फॉल कर रहा है, ब्लैक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, एडीएक्स फॉल कर रहा है, 20 से नीचे आ चुका है,
और यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई है वो आपस में ऑलमोस्ट लिपटी हुई है, मर्ज कर रही है, तो कोई ट्रेंड नहीं है, मार्केट एक साइडवेज में है। बट आगे जाके जब एडीएक्स 20 से ऊपर जाने लगता है, राइजिंग हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद में आपका एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जब पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलती है, मार्केट भी ट्रेंडिंग करने लगती है। तो आप कह सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, लैगिंग है, होने के बाद पता लग रहा है। जी हाँ, सब कुछ लैगिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लीडिंग करे। लीडिंग सिर्फ आपकी एजुकेशन हो सकती है, आपकी लर्निंग हो सकती है, आपकी सोच हो सकती है, और आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। जब तक आप किसी भी चीज के ऊपर मास्टरी नहीं करेंगे, नथिंग कैन बी लीडिंग फॉर यू इन द मार्केट। ओनली योर इंट्यूशन, योर कैलकुलेशन, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस ही लीडिंग हो सकती है, और कुछ भी लीडिंग इस बाजार में नहीं है दोस्तों। दोस्तों हर चीज मिसलीड करती है, उसमें फॉल्स सिग्नल्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रू सिग्नल्स को आपको कैच करना होता है। यहाँ पे देखिए, जब भी पॉजिटिव डीआई ने नेगेटिव डीआई को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, मार्केट ने ट्रेंड किया, वहीं पे एडीएक्स की भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। एडीएक्स बता रहा है कि इस बाजार में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि एक बोनस टिप आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंत में, कि ऐसा कौन सा सेटअप है जो आपके ट्रेड्स को जबरदस्त विनिंग ट्रेड बना सकता है। दोस्तों ये मैं अपनी उन दो मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको बहुत बार बताई है, शायद आप मिस कर गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे नए लोग भी इस चैनल पे हैं। चलिए मैं लगा लेता हूं, यहां मैं लगाने वाला हूं दो मूविंग एवरेज। देखिए लगाते कैसे, सीरीज में जाइएगा, मूविंग एवरेज पे जाइए, और सबसे पहले आप लगाएंगे 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, आप कलर जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, पहले 8 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लगा रहा हूं, फिर उसके बाद में मूविंग एवरेज लगा रहा हूं 13 डेज की। आपने 5, 8, 13 का वीडियो देखा होगा मेरा, उसमें से मैंने 5 को इस टाइम हटा दिया मैंने। और आपको एडीएक्स को परफेक्ट करने के लिए ये दोस्तों पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, जिसका एक्सप्लेनेशन ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। इंडिकेटर की वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगी, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहेंगे, और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस इंडिकेटर के ऊपर आप मुझसे सुनना चाहेंगे, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो प्लीज गो एंड राइट डाउन योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किस इंडिकेटर के ऊपर क्लैरिटी चाहिए, उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अब यहां पे मैंने इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 8 का हमने रेड किया था तो इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और एक बार के लिए मैं यहां से एडीएक्स को व्हाइट कर देता हूं। मैं सिर्फ आपको प्लस डीआई और माइनस डीआई के ऊपर एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं इस वीडियो के अंत में, दैट इज अ बोनस टिप फॉर यू गाइस। अब आप कहेंगे ये पॉजिटिव ब्रेकआउट कब होगा? ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा जब प्लस डीआई माइनस डीआई को ऊपर की तरफ काटेगी, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, वहीं पे ये 8 और 13 का भी एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 8 दिन की मूविंग एवरेज और 13 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिले, पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल, अगर आपको एडीएक्स में प्लस और माइनस डीआई भी आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रही है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए एडीएक्स से कंफर्म कीजिए, और चार्ट सेटअप जो भी आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहां पे देखिए, अब आप जब बाजार गिरने की आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आता है कि हाँ बाजार ने एक हाई बनाया है। प्राइस एक्शन को आप समझिए, बहुत ही कमाल की चीज़ है। प्राइस एक्शन आपको समझ में आ जाता है, ऑप्शन चेंज का, अगर फ्यूचर ऑप्शन का शेयर है, ऑप्शन चेंज से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ठीक है यहाँ बाजार ने टॉप बना लिया है, आपके चार्ट सेटअप ने टॉप बना लिया है, या आप सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आपका स्टॉक जाके एक बियरिश क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहा है मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे, वहीं पे अगर वो बियरिश क्रॉसओवर आपका मिल जाता है आपको एडीएक्स के ऊपर भी प्लस और माइनस डीआई के ऊपर में। यहां देखिए, जो नेगेटिव डीआई है वो प्लस पॉजिटिव डीआई को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, वहीं पे आपका एक पहले सिग्नल आपको जनरेट हुआ 8 और 13 में। तो पहले आपको चार्ट के ऊपर सिग्नल मिलेगा, वहां पे उसको आप कंफर्म कर सकते हैं अपने इंडिकेटर से। चार्ट के ऊपर पहले क्यों मिलेगा? क्योंकि चार्ट लीडिंग है, प्राइस एक्शन लीडिंग है। बाद में थोड़ा सा फर्दर आगे जाके एक कंफर्मेशन मिल जाए, जैसे आप पहाड़ में गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो पहले से बोर्ड लगा होता है कि आगे तीव्र मोड़, दिस इज अ डाइवर्जेंस अहेड। तो आप क्या तैयार नहीं होते हैं कि डाइवर्जेंस आ सकती है? हो सकता है वहां डाइवर्जेंस ना हो, बट 90% चांसेस होते हैं कि वहां पे डाइवर्जेंस होती है, और वहां पे अगर अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो देयर आर फेयर चांसेस कि यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट। तो यहां पे बाजार में भी वैसा ही, अगर आप उस डाइवर्जेंस को फॉलो नहीं करेंगे, उसको बिलीव नहीं करेंगे, तो देयर आर फेयर चांसेस कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या आपका ट्रेड गलत हो जाए। एक और चीज दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द बेस्ट टिप फॉर यू, आप मुझे देखें, किसी को भी देखें, किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, आने वाले बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको देने वाले, उनको फॉलो करने से पहले दोस्तों, इंप्लीमेंट करने से पहले उसका बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। गो एंड बैक टेस्ट एवरी स्ट्रेटेजी विच यू वॉच ऑन यूट्यूब। मैं दूं या कोई भी दूं, कोई भगवान नहीं है दोस्तों, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप उन एक्सपीरियंसेस को लीजिए, समझने में सुनने में कोई हर्ज नहीं है, उसका जाके बैक टेस्टिंग कीजिए। जब तक आपको महीने दो महीने की बैक टेस्टिंग नहीं हो जाती है, मेरे हिसाब से आपको उसके ऊपर पूरा पैसा नहीं डालना
होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करने के लिए छोटी मोटी कैपिटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, या जिनकी पूरी कैपिटल ही 20,000 है, बहुत छोटे से निवेशक हैं, वो 2,000-5,000 रुपए से चालू कीजिए या फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पर कम से कम आप उसकी प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं यू विल नेवर बिकम ए गुड प्लेयर। इवन सचिन तेंदुलकर व्हेन ही इज प्लेइंग आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, इवन इफ ही इज प्लेइंग 2020 ही इज स्टिल डूइंग द मैच प्रैक्टिसेस। तो जब सचिन, विराट कोहली जब नहीं खेल रहे होते हैं उसके बाद भी मैच प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दिस इज योर ड्यूटी टू डू प्रैक्टिस इन स्टॉक मार्केट्स आल्सो। तो जो लोग सोचते हैं कि अलादीन का चिराग मिल गया, नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूं अलादीन का चिराग आपके दिमाग में है, इसको घिसिए, और जिसको जितना घिसेंगे स्टॉक मार्केट में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कहां बनाना है वो बताइएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।